तो हिंदुस्तान की सबसे स्मार्ट मिसाइल निर्भय का टेस्ट बस थोड़ी ही देर में आप कह सकते हैं होने वाला है, थोड़े ही पलों में होने वाला है। देश के मिसाइल अटैकिंग पावर को और धार देने की ये कोशिश है डीआरडीओ की, और देश की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय है ये मिसाइल, परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइल। ओडिशा के बालासोर से इसका टेस्ट होने जा रहा है, 10:05 वो वक्त बताया जा रहा है जब इसे टेस्ट फायर किया जाएगा। आपको बता दें डीआरडीओ के डिजाइन किए हुए इस मिसाइल पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। स्वदेशी मिसाइल है ये। प्रधानमंत्री मोदी डिफेंस में हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो उस विजन के लिहाज से बहुत अहम दिन आज का। बता दें साथ ही आपको 1000 किलोमीटर की इसकी अटैकिंग कैपेसिटी है। ये कन्वेंशनल वॉरहेड्स तो कैरी करता ही है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी करता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, निर्भय खुद आपके स्क्रीन पर है कैसे दिखता है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। तो जी मीडिया रिपोर्टर कृष्ण मोहन मिश्रा बालासोर में मौजूद हैं, वही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, वहीं पर होना है निर्भय का परीक्षण। क्या कुछ खासियत है इस मिसाइल की, चलिए जानते हैं कृष्ण मोहन मिश्रा की इस रिपोर्ट में। भारत की पहली सबसोनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय लॉन्च के लिए तैयार है, लॉन्च पैड पर खड़ी हुई है। पीछे पूजा शुरू हो चुकी है, कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही देर बाद निर्भय अपने पहले सफर पर निकलेगा। पहले सफर पर निर्भय क्रूज मिसाइल निकलेगी। निर्भय क्रूज मिसाइल 6 मीटर के आसपास लंबी है, ये लगभग आधा टन विस्फोटक ले जा सकती है, और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास है। और यही बात इसको भारत की पहली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से अलग करती है। ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 290 से 295 किलोमीटर है, लेकिन निर्भय 1000 किलोमीटर तक आधे टन से ज्यादा विस्फोटक ले जा सकती है। निर्भय के बनने के बाद, निर्भय की कामयाब फ्लाइट के बाद भारत उन चंद मुल्कों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। निर्भय क्रूज मिसाइल ट्री टॉप लेवल पर ट्रेवल करती है, यानी कि वो लगभग 10 से 12 मीटर तक की हाइट पर ट्रेवल कर सकती है, और इसी वजह से दुश्मन के रडारों के लिए इसको पकड़ना नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, और इससे इस मिसाइल को ट्रैक करना या इसको बीच में डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज मिसाइल है, लेकिन उसकी रेंज भी 600 से 700 किलोमीटर दूर है। दुनिया की सबसे मशहूर, सबसे कामयाब जो क्रूज मिसाइल अमेरिका के पास टॉमहॉक है, उसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर की है। कैमरामैन शक्ति के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, चांदीपुर। और सीधा आपको लेकर चलते हैं चांदीपुर मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा के पास। ये टेस्ट फायर होने ही जा रहा है कृष्ण मोहन, और क्या आप अपने इर्द गिर्द देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें आप और हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? आपकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो हमारे दर्शक लगातार देख ही रहे हैं निर्भय की। अदिति, इस समय हम लॉन्च पैड से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर पर खड़े हुए हैं। कुछ ही मिनटों का वक्त बचा हुआ है, बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिनट बाद निर्भय फायर होगा, और मेरे सामने जो वो पेड़ों का झुरमुट दिख रहा है उसके बीच से उठती हुई हमको नजर आएगी निर्भय मिसाइल कुछ ही मिनट बाद। 10:04 का एक अंदाजे का वक्त है, लेकिन इस बीच में कई बार इसके लॉन्च की जो प्रक्रिया है वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड की जाती है, इसलिए समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन 10:04 के आसपास का एक अभी अंदाजे का समय है, कुछ सेकंड के लिए हमको नजर आएगी यहाँ पर निर्भय उठेगी, करीब 100 मीटर के करीब वो ऊपर जाएगी, और उसके बाद वो अपनी जो उसकी ट्रेजेक्ट्री बनाई गई है उस पर ट्रेवल करेगी। खास बात यह है अदिति, 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन ये 500 किलोमीटर तक जाएगी। 500 किलोमीटर के बाद एक ये सर्कल बनाती हुई वापस आएगी, और यहां से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरेगी। निर्भय की खासियत ही यही है कि उसको, उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो लगातार बदली जा सकती है, वो क्रूज करती है, यानी एक एयरक्राफ्ट की तरह उड़ती है, और उसकी दिशा और उसको लगातार कंट्रोल किया जा सकता है। यानी ये निर्भय 1000 किलोमीटर तक पूरा नहीं जाएगी, 500 किलोमीटर जाएगी, उसके बाद वापस आएगी, एक लूप सा बनाती हुई, और यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरेगी। कुछ ही सेकंड के लिए हम शायद उसको देख पाएंगे, हालांकि आसमान थोड़ा सा हेजी है, लेकिन हमको यहाँ से समझ में आएगा कि मिसाइल फायर हो गई है। इस समय ऊपर एक जेट मंडरा रहा है, जो कि फ्लाइट के वक्त
निर्भय के ऊपर नजर रखेगा, पूरे रास्ते उसको मॉनिटर करता हुआ जाएगा और उसी के साथ ये तकरीबन एक घंटे की का फ्लाइट का टाइम होगा निर्भय का, यानी 1000 किलोमीटर की दूरी है, सबसोनिक मिसाइल है, 1000 किलोमीटर के आसपास इसकी रफ्तार है, यानी तकरीबन 50 सेकंड बचे हुए हैं। अभी अभी यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि 50 सेकंड का काउंटिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी कुछ ही सेकंड 50 सेकंड बाद निर्भय वहाँ से उठती हुई नजर आएगी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम दिखा पाएं पहली बार एक लॉन्च लाइव जी न्यूज़ पर हम दिखा पाएं निर्भय का, बहुत महत्वपूर्ण है ये लॉन्च। 30 सेकंड सिर्फ अब बचे हुए हैं निर्भय के लॉन्च होने में, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पल है, बहुत ही खास पल है ये देश के लिए, पूरे देश के लिए, देश की रक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि हमारे पीछे बस अब कुछ ही सेकंड में बहुत उत्तेजना है यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, बहुत जितने भी साइंटिस्ट यहाँ पर हैं उनके बीच में बहुत उत्तेजना है। ये फायर हो गई, ये निर्भय फायर हुई अदिति, सामने नजर आ रही है भारत की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल गरजते हुए अपने रास्ते पर चली गई और ये अब 500 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 500 किलोमीटर का सफर तय करके वापस आएगी एक लूप सा बनाती हुई और यहां से 40 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरेगी। ये लॉन्च था निर्भय का जो हमने जी न्यूज पर लाइव दिखाया। अदिति, बिल्कुल कृष्ण मोहन, बहुत ही एक्साइटिंग वो पिक्चर थी। जो भी भारतीय इस समय उस तस्वीरों को देख रहा होगा, कहीं ना कहीं उसने अपने अंदर एक तरीके की खून में एक तेजी देखी होगी, एक्साइटमेंट को फील किया होगा। और अगला सवाल ये कि ये हमें कब तक पता चल पाएगा कि ये टेस्ट जो है सक्सेसफुल रहा है, क्या कुछ इस टेस्ट में निकल कर आया, कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा हमें? अदिति, टेस्ट फायर सक्सेसफुल रहा है, हमारे सामने अभी निर्भय अपने फ्लाइट पाथ की ओर चली गई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है, बहुत अलग अलग जगहों पर साइंटिस्ट जो हैं उसकी एक एक सेकंड की, एक एक फ्लाइट पाथ की मॉनिटरिंग करते हैं। लगभग 15 मिनट के बाद ये एरिया खतरे से बाहर कहा जाएगा, डेंजर जोन से बाहर कहा जाएगा और उस वक्त हम वापस जाएंगे टेस्ट रेंज में और वहां से हम थोड़ी देर, अगर हमें मौका मिला, वादा किया है यहां पर वैज्ञानिकों ने और यहां के अधिकारियों ने कि वो हमें उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां पर फ्लाइट पाथ के ऊपर से नजर रखी जा रही है। यहां आसपास अभी आप शोर भी सुन रहे होंगे, ये सारे लोग वो लोग हैं जो इस रेंज में काम करते हैं, उनमें साइंटिस्ट भी हैं और यहां पर काम करने वाले छोटे वर्कर्स भी हैं। सब में एक जबरदस्त खुशी है, बहुत ज्यादा लोग यहां पर खुश हैं, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसे पूछिए इनकी एक्साइटमेंट क्या कहना चाहते हैं, हमने वो तस्वीरें देखी हैं, जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं, इनकी एक्साइटमेंट भी बहुत कुछ कह रही है। एक मिनट अदिति, देखिए आप सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत सारी, आप ये बताइए कि इतनी खुश क्यों हैं आप? ये हमारा इंडिया एक अच्छा सफलता किया है निर्भय के माध्यम, तो ये डिफेंस में ये बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ है, तो सबको बहुत ज्यादा खुशी है, चाहे पर यहाँ पर काम करने वाले साइंटिस्ट हों, चाहे छोटे वर्कर्स हों, ड्राइवर्स हों, सिक्योरिटी गार्ड्स हों, हर आदमी बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पे आसपास में जितने लोग भी काम करने वाले हैं। अदिति, पहले बार है, सिर्फ वहां पर ही लोग खुश नहीं है कृष्ण मोहन, हर भारतीय इस समय बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है, खासतौर पर ये देखते हुए भारतीय साइंटिस्ट ने पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई कामयाबी दर्ज की है। अच्छा, आपकी रिपोर्ट का ही यहां पर जिक्र करते हैं, आपने उसमें जिक्र किया था अमेरिका के टोमाहॉक का और पाकिस्तान की बाबर मिसाइल का। अगर हम अपनी इस सबसोनिक मिसाइल की बात करें, निर्भय की बात करें, तो निर्भय क्या कह सकते हैं अमेरिका के टोमाहॉक के लिए एक बिफिटिंग आंसर है? देखिए, रेंज एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर एक बार आप एक खास तरीके की एक खास डिज़ाइन पर आप काम करना शुरू कर देते हैं तो रेंज बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती, पेलोड बढ़ाना बहुत मुश्किल बात नहीं होती है। क्रूज मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ी अलग होती है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में भी भारत लॉन्ग रेंज में काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। अग्नि 5 की रेंज 5,500 किलोमीटर से ज्यादा है। क्रूज मिसाइल में पहली बार भारत ने ये 1000 किलोमीटर की क्रूज मिसाइल फायर की है। मिसाइलों की रेंज बढ़ाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है, चैलेंजिंग ये होता है कि शुरुआत में उस तरफ कदम बढ़ाना, वो टेक्नोलॉजी हासिल करना। एक इंटरनेशनल मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिजीम होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, उसके मुताबिक 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली कोई भी मिसाइल दूसरे देश को कोई भी देश दे नहीं सकता, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता है। ब्रह्मोस भारत और रूस ने साथ मिलकर डेवलप की, लेकिन उसकी भी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से कम है। तो जो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिजीम है, इसकी वजह से आपको इस किस्म की जो मिसाइलें हैं जिनकी रेंज ज्यादा है वो खुद ही डेवलप करनी पड़ती है। एक बार अगर डेवलप करना शुरू कर दिया तो उसी डिजाइन पर आगे बढ़ते हुए रेंज बढ़ाना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता है। अदिति,
कृष्ण मोहन मिश्रा, शुक्रिया एक्सक्लूसिव तस्वीरों के लिए, एक्साइटमेंट दिखाने के लिए। ओडिशा में किस तरीके की एक्साइटमेंट, यकीन मानिए तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, बहुत ही प्राउड इस समय कोई भी इंडियन फील कर रहा होगा। सक्सेसफुल टेस्ट फायर इसे माना जा रहा है, और अपडेट्स के लिए आते रहेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया।